गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम कैश का डेटा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लें। तो कैश में आपको देखने को मिलेगा जो FIs है, नेट सेलर है, लगभग 2300 करोड़ के आसपास इन्होंने कैश में सेलिंग की है। वही DIs की बात करें तो लगभग 1400 करोड़ के आसपास इन्होंने कैश में बाइंग किया। तो ये एक हमें बेयरिश सेंटीमेंट यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि जो सेलिंग का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू बाइंग का नंबर। अगर हम डेरिवेटिव का डेटा देखें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो क्लाइंट है उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है, लगभग 13,000 के आसपास शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज की है, प्लस थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशन भी क्लोज की गई है। DIs की कोई खास एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, FIs की भी कोई खास एक्टिविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिली, बट 6,000 के आसपास शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाई गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रॉप डेस्क की, तो इन्होंने यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग की है, लगभग 8,400 के आसपास लॉन्ग के पोजिशन को क्लोज की गई, प्लस 3,000 के आसपास शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट भी क्लोज की गई। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुई, स्लाइटली ग्रीन में। ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं कि 10,500 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट क्लोज की गई। तो ये एक हमें शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा कर रहा है, तो हम इसे न्यूट्रल लेके चलेंगे। यहाँ पे कोई भी सेंटिमेंट हमें नहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो जो बड़े प्लेयर है वो कल के लिए कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे। जो भी इंट्राडे की पोजीशन बनाई गई थी वो क्लोज कर दी गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल राइटिंग की पोजीशन क्लोज कर दी गई और वो कल के लिए कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे। तो ओवरऑल अगर हम डेटा पॉइंट का कंक्लूजन निकालें तो कैश का डेटा हमें एक नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम बात करें फ्यूचर के डेटा की, तो ये हमें एक न्यूट्रल सेंटीमेंट शो कर रहा है, नेगेटिव सेंटीमेंट शो कर रहा है। जो कैश का फ्यूचर का डेटा वो न्यूट्रल सेंटीमेंट यहाँ पे शो कर रहा है, और ऑप्शन का भी डेटा हमें एक न्यूट्रल सेंटीमेंट शो कर रहा है। तो मेजॉरिटी डेटा पॉइंट का व्यू है कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहने की चांसेस है। तो ऐसा हो सकता है कल मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करे, तो ये डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं। बट हम इसे प्राइस एक्शन पे कंफर्म करते हैं। तो अगर हम चार्ट पे डिस्कस करें, तो हमने कल डिस्कस किया था कि हम लॉन्ग के साइड का कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, हमें जब भी ट्रेड मिलेगा हम शॉर्ट के साइड का ट्रेड लेंगे इंस्टेड ऑफ लॉन्ग का। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए कि निफ्टी अपने को इस पॉइंट के नीचे मिलता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, जो स्टॉप लॉस है हम इस स्विंग के ऊपर का रखेंगे, 1:2 के लिए प्लान करेंगे, और इजीली अचीव हुआ। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमें 19,245 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, तो ऑलमोस्ट वो लेवल को रीटेस्ट करके फिर यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला। अब मैं 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चार्ट को स्विच करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे जो निफ्टी है ये आप देख सकते हैं WX, यहाँ पे YXX और Z का पैटर्न कंप्लीट हुआ। तो जनरली जो Z का जो मूव होता है वो इक्विवेलेंट होता है अप्रॉक्सीमेटली W के मूव के बराबर। तो मतलब जितना W का यहाँ पे लेंथ होता है सेम हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेंगे, तो ये आपका Z का लेंथ होता है। तो ये देख के मैंने आपको ये टारगेट बताया हुआ था कि यहाँ तक का हमें मूव देखने को मिल सकता है। तो इट मीन्स कि ये एक करेक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो इट मीन्स कि हम इसे ए कंसीडर करेंगे। तो अगर हम इसे ए कंसीडर करते हैं तो हमें यहाँ से एक बी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो कि अपसाइड की तरफ होगा। देन आफ्टर हमें वापस से सी का मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि और नीचे का करेक्शन होगा, माइट बी 18,783 तक का ये मूव आ सकता है। तो चलिए अगर हम यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट करें कि ये जो अप मूव अगर आता है तो कहाँ तक हमें ये अप मूव देखने को मिल सकता है, तो हम ये स्विंग हाई से लेके ये स्विंग लो जहाँ पे ए का फॉर्मेशन हुआ है हम यहाँ तक का फिबो डालेंगे। तो इट मीन्स कि ये जो करेक्शन अब आपका यहाँ से होगा, ये आप देख सकते हैं कि लगभग ये आपका 61.8% तक ये मैक्सिमम ये करेक्शन आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद हमें 81% का भी लेवल देखने को मिले। तो हम यहाँ पे कल लॉन्ग के साइड का ट्रेड यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, बट अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करें तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम बहुत छोटे क्वांटिटी में, लाइक 25% क्वांटिटी में लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम 100 लॉट पे ट्रेड करते हैं तो हम 25 लॉट पे यहाँ पे जो लॉन्ग का ट्रेड है वो ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एडवाइस करूँगा कि ये 25 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप कोशिश कीजिएगा 5 या 10 लॉट पे लॉन्ग का ट्रेड लेने का, क्योंकि हम एक रिट्रेसमेंट, एक अपमूव को हम प्ले करने की कोशिश करेंगे जो कि हो सकता है कि 38% से रिट्रेसमेंट ले ले, या फिर 50% से ले ले, या फिर 61.8% तक जाए, फिर यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल जाए। बट अगर हम यहाँ आने के बाद अगर ये मार्केट मान लीजिए ऊपर को आता है और यहाँ पे हम शॉर्ट पकड़ते हैं, तो जैसा आपने ये सारा डाउन मूव पकड़ा है वैसा हम ये पूरा नीचे का डाउन मूव वापस से पकड़ सकते हैं। तो इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच एंड लेट द मार्केट डिसाइड वे इट वॉन्ट टू गो। तो मार्केट को अपना डायरेक्शन ये डिसाइड करने दीजिए, हमें पता है कि हमें यहाँ आने के बाद शॉर्ट का ट्रेड लेना है, तो वेट करेंगे मार्केट यहाँ आएगा, इसके बाद हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बट फिर भी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे कुछ ट्रेड करना है, तो उसके लिए ये बनता है कि अगर मान लीजिए कि ये फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा गैप अप खुलता है और इस स्विंग के ऊपर निकलता है, तो एक बार हम लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, 20 से 25 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 के लिए प्लान करेंगे। मैं कन्विंस नहीं हूँ लॉन्ग के ट्रेड में, तो मैं लॉन्ग का ट्रेड नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा इस लेवल का, यहाँ आने के बाद मैं शॉर्ट के लिए ही प्रेफर करूँगा। सॉरी,
अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जो रीडिंग है वो थोड़ा लाइक निफ्टी से डिफरेंट है। हम या तो इसे WXYZ का भी पैटर्न कंसिडर कर सकते हैं, या फिर हम इसे 1 2 3 4 5 का भी पैटर्न यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम ये देखें तो ऐसा लगेगा ये वन वेव है, यहाँ से ये पुल बैक हुआ, ये सेकेंड है, ये जो आपका बड़ा मूव आया यहाँ तक, ये आपका थर्ड वेव है। इट मीन्स कि हमें एक फोर्थ वेव का यहाँ पे प्रोग्रेशन में दिख सकता है। रीजन बिंग मैं इसे थर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको पांच मूव देखने को मिलेगा, ये वन, ये टू, ये थर्ड, यहाँ पे ये फोर्थ, और ये आपका फिफ्थ वेव। मैं इसे इसलिए थर्ड वेव कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि ये इम्पल्स के नेचर में आ रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जैसा हमने डिस्कस किया कि ये थर्ड वेव था, जो थर्ड वेव का ये थर्ड वेव था, तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर यहाँ से यहाँ तक मैं फिबो डालूँ तो ये बिल्कुल 161% का लेवल डॉट टू डॉट रीटेस्ट करके फिर यहाँ से बाउंस देखने को मिला। तो 127 to 161% का जो लेवल होता है ये आपका, जब हम आपका जो फिफ्थ वेव बनता है तो फिफ्थ वेव में यही टारगेट आपका होता है 127% से 161%। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर ऐसा शो कर रहा है कि ये आपका ये वन बना, ये टू बना, ये थर्ड वेव बना, अब यहाँ से फोर्थ वेव बनना चाहिए, देन आफ्टर हमें एक फिफ्थ वेव बनता हुआ देख सकता है। तो कुछ इस टाइप का पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। एक चीज़ यहाँ पर और डिपेंड ये करता है कि माइट भी बैंक निफ्टी कल थोड़ा गैप डाउन खुले या फिर फ्लैट खुले और स्विंग को ब्रेक करे, तो ये हो सकता है कि ये 261% तक आ जाए क्योंकि ये इम्पल्स के अंदर है। तो 127% के ऊपर जब तक ये नहीं जाता तब तक हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे कि हम लॉन्ग के साइड का। अगर लॉन्ग करना है तो हम स्मॉल क्वांटिटी में निफ्टी करेंगे, ना कि बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक है एज कंपेरिजन टू निफ्टी। प्लस 127% ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल लेवल होता है। तो यहाँ आने के बाद ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी में हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिले। तो जब ये वेव फिफ्थ, अगर मान लीजिए कि ये थर्ड हुआ, ये वेव फोर्थ कहीं पे बनेगा, तो वेव फोर्थ अगर बनेगा तो ये वेव फोर्थ कहाँ बनेगा, तो ये हम स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो का जो है फीबो डालेंगे, यहाँ से जो आपका वेव वन जो स्टार्ट हुआ था यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम फीबो डालेंगे। तो वेव फोर का जो फॉर्मेशन है ये हो सकता है कि आपका 23% पे बन जाए, मतलब जो कि 127% का लेवल है, और ये क्लस्टर भी हो रहा है क्योंकि 23 + 127%, तो दो दो लेवल एक साथ में आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो वेव फोर है ये यहीं पे हमें बनता हुआ दिखे, या फिर ये 31% पे बने, बट ये इस टेरिटरी में एंटर नहीं करेगा। वेव फोर अगर हम देखें तो यहाँ पर बना है, मतलब थर्ड वेव का ये जो वेव फोर है ये यहाँ पर बना है लगभग 45,000 73, 70, 80, 85 के आसपास में। मतलब कि इस वेव को इसके अंदर एंटर नहीं करना चाहिए, ये इससे पहले ही हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। प्लस हमें ये क्लस्टर दिख रहा है, तो हमारा बैंक निफ्टी में हम कल ट्रेड करना प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ निफ्टी। तो बैंक निफ्टी मान लीजिए कि यहाँ से कहीं पुल बैक आता है ऊपर के साइड को, 127% पे कोई भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक प्राइस एक्शन दिखता है, तो हम इमीडिएट शॉर्ट करेंगे, 127% के ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे और नीचे में हम इस टारगेट के लिए प्लान करेंगे। ये हमारा पहला टारगेट होगा, और देन आफ्टर फिर हम टारगेट को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे कि हम यहाँ से लेके, अगर ये आपका वेव फोर्थ यहाँ पे बनता है तो हम यहाँ से लेके यहाँ पे आपका एक एक्सटेंशन ड्रॉ कर देंगे, फीबो डाल देंगे। इसके बाद जो टारगेट आपका होगा 127% प्लस या फिर 161%, जैसा कि इस केस में हमें देखने को मिला। तो 127% आपका 43,606 का लेवल होता है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर लेंगे, बाकी जो रिमेनिंग है हम होल्ड करेंगे। यहाँ आने के बाद हम अपने सारे पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे, या फिर यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिखता है तो हम इस ट्रेड को यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। प्लस जब निफ्टी में रिवर्सल बन रहा था तो बिल्कुल इस जगह पे मैंने टेलीग्राम पे ये पोस्ट डाला था कि यहाँ पे निफ्टी का रिवर्सल बन रहा है, तो हमने जो भी शॉर्ट किया हमें यहाँ एग्जिट कर जाना चाहिए। बिल्कुल 11:12, 14-15 मिनट के आसपास मुझे रिवर्सल दिख गया था, तो मेरा जो ऑप्शन चेन जो मैं देखता हूँ वहाँ पे मुझे क्लियरली दिखने लगा था कि जो शॉर्ट की पोजीशन बनी थी शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे होने लगी थी, प्लस कॉल को कोई लॉन्ग कर रहा था और पुट को शॉर्ट कर रहा था, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन आ रहा था कि यहाँ से एक अपमूव आ सकता है। तो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे रिवर्सल बन रहा है तो हमें शॉर्ट से एग्जिट कर जाना चाहिए, लेट्स बुक सम इंट्राडे गेन, मैंने कुछ ऐसा ही वहाँ पे मैसेज किया था। और देन आफ्टर आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मार्केट में अपडेट होता है मैं कोशिश करता हूं कि मैं उस अपडेट को पोस्ट करूं, हालांकि मेरा काफी बिजी स्केड्यूल होता है, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूं कि मैं वहां पे पोस्ट करूं। मैंने मिड कैप निफ्टी में भी वहां पे ट्रेड शेयर किया था, बट वहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो मैंने वो भी मेंशन किया, प्लस मैंने कुछ कैश का स्टॉक्स भी वहां पे मेंशन किया। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो गया। अब हम स्टॉक्स की बात कर ले तो पहला स्टॉक जो चार्ट पे अच्छा लग रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब कि पूरे पीएसयू सेक्टर में आज एक अच्छा बाइंग, एक अच्छा मोमेंटम था, बट मुझे यहां पे ऐसा लग रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम देखें तो ये क्लियरली आप देखेंगे प्राइस एक्शन यहाँ से सेलिंग आया, काफ़ी दिन यहाँ कंसोलिडेशन होता रहा, फिर देन आफ्टर एक ब्रेकडाउन आया, ये पुल बैक हुआ, देन आफ्टर वापस से ये सेलिंग के लिए आ रहा है। प्लस आप देखेंगे ये जो लेवल है ये आपका यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था,
इस लेवल से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। ये ब्रेकआउट होने के बाद एक बार इस लेवल को रिटेस्ट किया, फिर दोबारा इस लेवल को प्राइस एक्शन बना के रिटेस्ट कर रहा है। तो इट मीन्स कि अगर ये इतना अच्छा बाइंग का लेवल है तो बायर्स कभी भी यहाँ पे प्राइस को नहीं आने देंगे, वो इधर से ही प्राइस को रिवर्स कर देते हैं। बट जब प्राइस बार बार इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये एक डाइसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो अगर कल ये गैप अप खुलता है तो हम इस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, हम और इंटरेस्टेड नहीं है। बट अगर ये फ्लैट खुलता है या फिर कहीं भी खुल के इस स्विंग को ब्रेक करता है, मतलब इस रेंज में कहीं भी खुलता है, इस स्विंग को ब्रेक करता है, हम इमीडिएट शॉर्ट करेंगे। ऊपर में हम 1 से 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 के लिए हम इसको प्लान करेंगे। पूरे सीमेंट सेक्टर में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, इस जगह से एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो यहाँ से ये कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3rd, ये 4th, और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि 5th का हमें एक पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये कंडीशनल सेल होगा, अगर ये गैप अप खुलेगा तो हम अवॉइड कर देंगे। बट अगर फ्लैट खुलने के बाद 1900 के नीचे निकलता है तो हम एक बार यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे 10 से 12 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे और इंट्राडे में 1:2 के लिए हम इसको प्लान करेंगे। क्या NMDC में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो ये लॉन्ग का ट्रेड एक अच्छा हो सकता है छोटे यहाँ तक के मूव के लिए। तो कल अगर ये मान लीजिए फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद 119 के ऊपर निकलता है, तो हम एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। 1 से 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस 1:2 के लिए हम इसको प्लान करेंगे। और चॉइस इंटरनेशनल, मैंने आपको कल या परसों के वीडियो में ये डिस्कस किया होगा, तो यहाँ पे मैंने रीडिंग की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये वेव 1 का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे वेव 2 का फॉर्मेशन हुआ, ये वेव 3rd बना, ये 4th बना। अगर हम इसको और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो ऑल्टरनेशन के रूल को फॉलो कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कल ये फ्लैट खुलता है और इस स्विंग के ऊपर, यहाँ से आपको एक डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, अगर इस स्विंग के ऊपर निकलता है तो फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपसाइड के ऊपर। तो हम इसे लॉन्ग करेंगे, नीचे में हम इसे हम पोजिशनली लॉन्ग करेंगे। जो स्टॉप लॉस रखेंगे हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे, मतलब ये कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। जो टारगेट हम प्लान करेंगे पोजिशनली, अगर हम यहाँ से यहाँ तक, ये वेव 3rd है और ये आपका वेव 4th बना है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का हम फीबो डालें तो हमें जो वेव 5th है उसका टारगेट देखने को मिलेगा। तो इट मीन्स 411 ये हमारा पहला टारगेट होगा। यहाँ आने के बाद हम कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे, और जैसा कि आपने देखा कि बैंक निफ्टी के केस में कि जनरली जो 5th वेव होता है 127% से 161% के बीच में बनता है। तो अगर यहाँ आता है तो हम यहाँ पे आधा क्वांटिटी या 75% क्वांटिटी बुक कर लेंगे, रिमेनिंग 25% क्वांटिटी को हम होल्ड करेंगे। 433 आने के बाद हम यहाँ पे सारा पोजीशन ऑफलोड करके हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। तो ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे सब्सक्राइब करना, आप उसे ज्वाइन करना ना भूलें कि मैं मार्केट का जो भी अपडेट हो आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।